हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आरवी प्रजापति ब्लॉग्स में। तो आज मैं किसी ब्लॉग के बारे में बोलने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी मैंने ब्लॉग को से रिलेटेड कोई वीडियो दिखाऊंगा आप लोग को। दरअसल मैं आया हुआ हूँ, आप लोग मेरा टाइटल पढ़ ही लिए होंगे, मैं आया हूँ। दरअसल मेन चीज़ मेरा मकसद ये है कि इलेक्शन को लेकर अभी सभी लोग जुटे हुए हैं उसी में, और सभी लोग इलेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुशी में है, उमंग में है कि भाजपा की सरकार आएगी कि कांग्रेस की सरकार आएगी। इस चीज़ को लेके तो बहुत सारे लोग जो हैं खुश है, वो भाजपा को भी लेके खुश है, कोई बहुत सारे लोग खुश है कांग्रेस को भी लेके खुश है। बट किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं, वो तो 4 जून के बाद पता ही चल जाएगा सबको। तो मैं बस ये कहने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं, बट जो जिस चीज़ को लेके पड़े हुए हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उसी तरह कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े भक्त होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा ही कोई फ्रेंड है जो कांग्रेस से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मैं बीजेपी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हूँ, बहुत उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। तो क्या होगा कि वो अगर कांग्रेस का सपोर्ट करता है और मैं बीजेपी का सपोर्ट करूँगा तो हम लोग दोनों में ही आपस में झगड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से झगड़ा हो जाएगा, बहस हो जाएगा, जिसके कारण से हमारा आपसी संबंध जो है वो खराब हो जाएगा, और इसमें ना बीजेपी कुछ करने आएगी और ना कांग्रेस कुछ करने आएगा। तो मैं बस यही सीधा सीधे कहना चाहता हूँ आप लोग के पास कि 4 जून के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, बट आप लोग अपने करियर पर अब ध्यान दें, बिना समय को व्यर्थ किए हुए कोई वीडियो बनाइए, कोई अपने लाइफ को इस तरह का स्ट्रगल करके निकालिए जिसमें आपको कोई कंपटीशन का अगर कुछ तैयारी आए, कुछ वैकेंसी आए, कुछ निकले, सरकार बनने जा रही है, भाजपा के बने चाहे कांग्रेस की बने, कुछ ना कुछ वैकेंसी तो जरूर ही आएगी जिससे आदमी लोग को प्रेरित होना होंगे जो आगे जाके कहीं पे कोई वैकेंसी में तैयारी करे, कहीं पे कंपटीशन का तैयारी करे जिससे वो निकले और अपने लाइफ को सक्सेस बनाए, सफल बनाए, कहीं पे जॉब करे, अपने माता पिता को खुश करे इस चीज़ के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपसी संबंध को अच्छे से बनाए रखें और भाजपा और कांग्रेस के बीच में ना उलझें, जो क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आप लोगों के घर को नहीं चला देंगे, चलाना आपको खुद ही पड़ेगा, और जो भी करना होगा आप खुद ही करोगे, वो लोग बीच में नहीं आएंगे। अगर मेरे फ्रेंड से अगर झगड़ा हो जाता है या किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो कांग्रेस आके नहीं छोड़ाएंगे या भाजपा आके नहीं छोड़ाएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसे में मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो मुझे हेटर्स ना बोले और ना मुझे गलत समझे, मैं बस कुछ युवा जो कांग्रेस 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 कर रहे हैं और कुछ युवा बीजेपी भी कर रहे हैं, उनको मैं सलाह दे रहा था बस, और मेरा कुछ मोटिव नहीं था बोलने का, बस मैं यही बोलने के लिए वीडियो में आया हुआ था। ऐसे मोदी ही जीतेगी मुझे भरोसा है, और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बस यही कहना था मुझे दोस्तों कि आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें और कोई चीज को इसमें इंक्लूड ना करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।